हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी न्यूज होम फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नॉन वेज रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चिकन, वो भी देसी स्टाइल में। तो बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि कभी नॉन वेज रेसिपी भी शेयर कीजिए, तो बस उन्हीं की डिमांड पे आज मैं ये नॉन वेज रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन की। तो इसे हम देसी स्टाइल में बनाएंगे और आपको तो पता ही है, जो भी चीज़ें देसी स्टाइल में बनती है ना, उनका एक अपना अलग ही स्वाद होता है। तो फ्रेंड्स, इतने सिंपल तरीके से इस चिकन को आज हम बनाएंगे। बस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें ऐसा डालेंगे जो हमारे चिकन को बिल्कुल अलग स्वाद देगा और देसी स्वाद देगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक बार अगर आपने इस तरीके से चिकन बना लिया ना, तो आई एम श्योर आप हमेशा ऐसे ही चिकन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, बनाते हैं चिकन इन देसी स्टाइल। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो जब हम चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे ना, तो बस हमें एक ही काम करना है। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल, और इसे अच्छे से हमने मिक्स करके इसको ढक्कन लगाकर रख देना है। तो जब तक ये रेस्ट पे रहता है, तब तक हम अगली प्रेपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो चिकन के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ज्यादा प्याज का यूज हम नहीं करेंगे, उससे चिकन में मिठास सी रहती है जो कि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, तो इसे मैंने कूट के किया है, ग्राइंड नहीं किया है, क्योंकि जब हम कूट के ये सारी चीजें डालते हैं ना चिकन में, तो उसका एक अलग ही और बढ़िया सा स्वाद आता है। साथ में मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 टमाटर और इन्हें भी हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं चिकन। तो सबसे पहले मैं कुकर में डाल रही हूँ यहाँ पे तेल, और तेल हमने नॉर्मली थोड़ा सा ज्यादा रखना है, जितना भी हम अपनी सब्जी और दाल के लिए लगाते हैं उसे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी का। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। तो बस इन मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है, और जैसे ये भून जाए उसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो थोड़ी देर इसे चलाएंगे, 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा पका लेंगे। और थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग। तो पहले मैंने हींग इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि तेल ऑलरेडी ज़्यादा गर्म हो गया था, और हींग का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है अगर हम बिल्कुल ही गर्म गर्म तेल में उसको डालते हैं। तो हल्का सा फ्लेवर मुझे उसमें रखना है जो कि बहुत अच्छा स्वाद देता है, इसलिए मैंने प्याज डालने के बाद हींग डाला है, क्योंकि तड़के को तो अभी हमने बहुत ज़्यादा पकाना है। और प्याज को हमने थोड़ी देर पकाना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मिलाएंगे इसे अच्छे से, और अब इन सारी चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि प्याज को हमने जलाना नहीं है, तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। इसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। तो ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। ये देखिए कितना बढ़िया सा सुनहरा सा कलर आ गया है इसमें। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, मिला लेंगे इसे अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, हमने पहले भी यूज़ की थी हल्दी, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है देगी मिर्च पाउडर, नमक डाला है स्वादानुसार, और साथ में 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और करछी की हेल्प से हमने टमाटर को ये देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए मैश कर लेना है। अब थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। मिला लेंगे इसे अच्छे से। और मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक इसे तेल सेपरेट नहीं होता है। तो बस अब हम इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे।
तो ये देखिए मसाला अभी हमारा अच्छे से पका नहीं है, लेकिन बीच में इसे हिलाना जरूरी है ताकि मसाला जले ना नीचे से। तो ये देखिए हल्का सा तेल सेपरेट हो गया है। तो फ्रेंड्स जितने अच्छे से हम मसाले को पकाएंगे हमारा चिकन उतना ही अच्छा बनेगा। तो तेल सेपरेट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। मिला लेंगे इसे अच्छे से। अच्छा आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं सेम प्रोसीजर से। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। पानी इसलिए ऐड करूंगी ताकि हमारा चिकन नीचे ना लगे, और अभी हमने इसको ऐसे ही खुले में बिना ढक्कन के पकाना है। और ज़्यादा पानी अगर हम इसमें लगाते हैं ना इस स्टेज पे, तो हमारा चिकन ना अंदर से ऐसे कच्चा सा ही रहता है, उससे कच्ची कच्ची सी अजीब सी स्मेल आती है चिकन की, तो वो हमें ख़त्म करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही अभी खुले में पकाएंगे 50-60% बिना पानी लगाए। बस थोड़ा सा ही पानी मैंने इसमें लगाया है, और अभी हम ढक्कन लगाकर जस्ट प्लेट का ढक्कन हम इसमें लगाएंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमने इसको चेक करना है और हल्का सा इसे हिला लेंगे। तो गाइस इस तरीके से जब हम चिकन बनाते हैं ना, जब इसको 50-60% हम ऐसे ही बिना प्रेशर दिलाए इसे पकाते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया सा जूसी चिकन हमारा बनता है। अंदर तक इसमें अच्छे से फ्लेवर आता है पीसेस से। तो ये देखिए 5 मिनट और मैंने इसे पकाया है ढक्कन लगाकर, तो अभी 50-60% हमारा चिकन पक चुका है। और इस स्टेज पे ना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जितना भी पानी आप अपने चिकन में डालना चाहते हैं, जैसी भी ग्रेवी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है और आधा चम्मच डाल दिया है इसमें गरम मसाला, और मिला लेंगे इसे अच्छे से। और अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे, और इसमें स्टीम आने के बाद इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया है और स्टीम चढ़ गई है कुकर में। तो बस 10 मिनट पकाने के बाद जब ये आराम से खुद अपने आप इसकी स्टीम निकल जाएगी, तो हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है, और बिल्कुल प्यार से और आराम से हम इसे मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा बहुत ही परफेक्टली पका है, ना तो ये कच्चा है और ना ही गला हुआ है। आप इसके पीसेस देख सकते हैं, बिल्कुल साबुत पीस हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा चिकन बना है, आसानी से निकल रहा है। तो बस इस स्टेज पे अब हमने इसमें डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला। पहले भी हमने आधा चम्मच डाल दिया है, लेकिन आधा चम्मच हम इसमें और डालेंगे। और अब टाइम है इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट का। तो ये हरा धनिया है। आप सोचेंगे हरा धनिया कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? जी हाँ, इसका जो डंठल है ना, उनका यूज हमने करना है जब हमारा चिकन पक रहा है। अभी गैस से हमने इसको नहीं उतारा है लो फ्लेम पे, तो 1 मिनट के लिए हम वो डंठल पकाएंगे, उसके बाद हम चिकन को उतार लेंगे, और उसके बाद हम इसमें हरे धनिया के पत्ते बारीक कट करके डाल देंगे। तो इस तरह से जब हम चिकन को पकाते हैं ना, मतलब उसमें जब हम वो हरे धनिया के डंठल डालते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा और अलग टेस्ट आता है। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना। और अब टाइम है इसे सर्व करने का। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ राइस के साथ, आप इसे चपाती के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म देसी स्टाइल में बना हुआ चिकन बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स अगर आप भी चिकन बनाने की सोच रहे हैं ना, तो एक बार आप इस तरीके से जरूर बनाकर देखना। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।